रायपुर के बूढ़ा तालाब में सौंदर्यकरण के तहत आधी अधूरी तैयारी के बीच 5 करोड़ के म्यूजिकल फाउंटेन का शुभारंभ किया गया, लेकिन 2 माह के अंदर म्यूजिकल फाउंटेन कई बार बंद हो चुका है। इसको लेकर सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि टेंडर में भी पारदर्शिता नहीं है, इस मामले में पूरी जाँच होनी चाहिए। महापौर एजाज ढेबर ने कहा है कि सांसद खुद स्मार्ट सिटी के अधीक्षक हैं, लेकिन शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक एक बार देखने तक नहीं आए। म्यूजिकल फाउंटेन है, इसका फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली 3 फेज में इसका करना था, सेकंड और थर्ड जो है और न्यू ईयर तक मतलब 30 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। उसका काम अभी चल रहा है, उसमें अभी 4-5 इफेक्ट जो पहले लास्ट फेज में जो 4-5 इफेक्ट और चलना था वो न्यू ईयर तक कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा फ्लोट जो है सेंडर में शिफ्ट होगा, उसका वायरिंग वगैरह चल रहा है। उनको खुद पे एक बार आके देखना चाहिए, उनको मीटिंग में बात करना चाहिए। वो हर बार मीटिंग में आते हैं और भ्रष्टाचार हुआ है तो सामने लेकर आए ना, कहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है सामने आके दिखाएं, सामने आके बोले कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। और ऐसा बोलने से तो देखो काम अच्छा होगा तो लोग तो आरोप लगाएंगे, और जहाँ पर क्रिया रहेगी उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, और क्रिया है इसलिए इस बात की प्रतिक्रिया हो रही है, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गड़बड़ी में गड़बड़ी के कहावत तो आपने सुना होगा, ये चरितार्थ किया है नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी ने। ये नजारा आपको दिखाते हैं, इस वक्त हम बूढ़ा तालाब में मौजूद हैं जहां 5 करोड़ की लागत से फाउंटेन बनाया गया था। नतीजा ये रहा है कि 1 महीने में 3 बार बंद हो चुका है और लगातार सिर्फ रिपेयरिंग काम हो रहा है। जिस परिप्रेक्ष्य से ये फाउंटेन बनाया गया है उसका अब तक उद्देश्य सकारात्मक नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ सौंदर्यीकरण के तहत ये निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन हुआ ये है कि ये चला काम बंद ज्यादा दिन रहा है। और ये मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाएं, यहाँ पे जो लगातार जो कर्मचारी हैं वो काम करने में लगे हुए हैं, और पिछले 1 महीने की बात करें तो ये कई बार बंद हो चुका है, और यहाँ पे बकायदा पोस्टर भी लगाया गया है। कैमरामैन से कहूंगा कि इसको दिखाएं कि एक्सटेंशन कार्य हेतु फवारा 15 दिनों के लिए बंद रहेगी, तो इस तरह की ये पोस्टर तो यहाँ पे लगा है, लेकिन पता नहीं ये कितने दिनों से ऐसे लगा है, ये अभी तक निकाला ही नहीं गया है। तो ये नजारा है बूढ़ा तालाब मानसरोवर का, जहाँ पे ये जो नतीजा दिख रहा है इस पे बीजेपी ने भी कई कड़े सवाल उठाए हैं इसमें, कि यहाँ पे बगैर टेंडर किए कमीशनखोरी के चक्कर में लगातार ये ऐसे अंजाम दिए गए इस कार्य को, और नतीजा ये रहा है कि ये लगातार बंद होते रहे हैं। और हालांकि इसको ये हवाला दिया जा रहा है, जहाँ मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं उनसे हमने बातचीत किया, बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि ये 3 फेज में काम होना था, पहले फेज में हमने काम करके दिया, और वहाँ पे यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ रवीन चौबे, मोहम्मद अकबर जैसे बड़े बड़े कद्दावर मंत्री इसके लोकार्पण कार्य में यहाँ पहुंचे हुए थे और लोकार्पण करके गए। उसके सीधा 1 हफ्ते के बाद बंद हो गया, 1 नवंबर को इसको लोकार्पण हुआ था और आज तक ये बंद है, और इसमें अभी भी 1 हफ्ते का समय कहा जा रहा है कि 1 सप्ताह के बाद नए साल के अवसर पर ये काम फिर से प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब ये देखना ही होगा कि 1 महीने में ये 4 बार बिगड़ चुके हैं, अब आगे इसके क्या हालात होते हैं। फिलहाल इसमें जनता का ये मांग है कि इसका सौंदर्यीकरण था वो लुप्त नहीं उठा पाए हैं, और जो ऐसे गड़बड़ी कर रहे हैं इस पे जांच होनी चाहिए। कैमरामैन चोराराम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल में प्रकृति की गोद में बसा जिला बलरामपुर, ये जिला अपनी पुरातन संस्कृति और वैभव के लिए प्रसिद्ध है। पुरातात्विक महत्व वाले इस जिले को विकसित करने के लिए भूपेश सरकार लगातार काम कर रही है। बीते साल की तरह इस साल भी जिले के विकास में 250 करोड़ की सौगात सीएम भूपेश बघेल ने दी है। इस जिले को सीएम ने क्या क्या सौगात दी है इस रिपोर्ट में देखिए। शिलान्यास और लोकार्पण की यह तस्वीर बलरामपुर जिले की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले वासियों को 247 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। प्रकृति संपन्न इस जिले को सजाने और संवारने का काम सतत जारी है। आइए आपको बताते हैं कि जिले वासियों को क्या क्या सौगातें मिली है। 12वीं वाहिनी रामानुजगंज में निर्मित आवासीय परिसर, ककनेश जलाशय, कुटराही जलाशय।